हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिश लाइफ सक्षम ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत हो। और आज है दिन संडे और मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो अभी मैं गैस पे दूध रख दिया है खोआ बनाने के लिए और मैं जब तक नहा कर वापस आ गई हूँ। सारे सामान जो है गुजिया बनाने वाला सामान मुझे इकट्ठा करना है, तो ये सब मैं जो है लेकर आई हूँ। तो ये सारे अलग रख रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आज है संडे, आज ही बनाएंगे, नहीं तो मंडे को होली है, अब टाइम ही नहीं रह गया है बनाने का। तो बस यहाँ पे मैं मेरा जो है खोआ अच्छे से जो है गाढ़ा हो गया है ग्रेवी, और इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो मैं घर का ही खोआ बना रही हूँ, क्योंकि बाहर का खोआ जो है ना विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या क्या मिलावटी रहता है नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं घर का ही खोआ बना रही हूँ। घर का खोआ सबसे शुद्ध रहता है, थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन जो है अच्छा बन जाता है गुजिया, और भरपूर खोआ भी बन जाता है। तो बस यहाँ पे मैं खोआ बना रही हूँ और मैं आराम से 3 बजे तक स्टार्ट करूँगी। और मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया था खाने वाला, ये तरबूज, प्याज, अंगूर, ये इतने बड़े डिब्बे में आए हैं। मैं सोची कि क्या है इतना सारा सामान, जब देखी थी इसमें 3 सामान था, खरबूजा, प्याज और ग्रेप्स। तो ये सब मैं जा रही हूँ इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि बाहर से आया था। और यहाँ पे मेरा खोआ जो है ठंडा हो गया है, तो इसमें हम सारे सामान मिला देंगे और इसको जो है इकट्ठा बना कर रख देंगे, फिर शाम को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि गुजिया बनाने में बहुत मेहनत का काम लगता है, पूरा दिन लग जाता है गुजिया बनाने में। तो अभी मैं सबको खाना मतलब खिला लूँगी, खाना वाना नाश्ता हो गया है सबका, बस सबको खाना वाना खिला के उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है फ्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ। तो यहाँ पे मैं काजू, सॉरी, बादाम और मखाना भून रही हूँ। तो ये सब मैं मिश्रण तैयार करके रख दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि यही सामान तैयार करने में ही टाइम लगता है गुजिया का। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिरौंजी जो है, और सारे मैं जो है ड्राई फ्रूट्स जो है मैं भून कर डालती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट भी अच्छा होता है और ख़राब भी नहीं होता गुजिया, ज़्यादा दिन तक रह जाता है। तो यहाँ पर मैं नारियल का बुरादा और चिरौंजी को भून ली हूँ और बस इसमें हम सारा मिला देंगे। Any ideas? और इसके बाद मैंने यहाँ पर सूजी थोड़ा सा भून लिया है, सूजी भी डाल देंगे। तो पहले इसको हमें ब्राउन होने तक भुनना है, इस अच्छी सी महक आ जाए सूजी की। तो जब तक हम जो है सारे जो है ड्राई फ्रूट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मखाना तो अच्छे से पिस गया, लेकिन वो जो बादाम था वो नहीं पिसा, तो वो मैं अलग से कूट कर डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने सूजी डाल दिया है, किशमिश डाल दिया है और ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो इसमें ये जो देखिए बादाम, ये सारे खड़े हैं, इसको हमें अलग से जो कूट कर डाल दूंगी। तो बस यहाँ पे गुजिया का सामान तैयार हो गया है। के बाद थोड़ा सा रेस्ट की हूँ, अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो मैं अब अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये सब बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अभी मैं गुलाब जामुन बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने एक पैकेट मंगाया था और मैं पहली बार बना रही हूँ। ऐसे मैं ब्रेड का 2-3 बार बना चुकी हूँ, लेकिन इसका मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ। तो इसको पहले मैं बना के अलग से रख दूँगी, तब उसके बाद गुजिया बनाऊँगी, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। बस इसको गूँथना है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रख देना है, उसके बाद फिर सारे गोले बनाकर इसको जो है तेल में तल लेना है। यहाँ पर मैं चाशनी बना रही हूँ, तो मैं जब तक एक तरफ गैस पे जो है चाशनी बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चीनी और इलायची पाउडर पानी डालकर रख दिया है, जब तक चाशनी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं सारे बॉल्स को जो है सेक लेती हूँ। था, मैं पहली बार बनाई थी जो है, ये मार्केट का जो पैकेट वाला बनता है मैं पहली बार बना रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था।
तो बस ऐसे सारे बॉल्स को मैं फ्राई कर लूँगी। तैयार हो गई है तो इसमें सारे बॉल्स को डाल दूंगी। तो बस ये अच्छे से सोख लेगा पानी, इसका सीढ़ा जो होता है। बस यहाँ पे गुलाब जामुन बनकर रेडी। बहुत कम टाइम लगता है और बहुत अच्छी जो है जल्दी बनने वाली ये मिठाई है, खाने में भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे तैयार हो गया और मैं जब तक गुजिया का आटा लगा लेती हूँ। सब लोग हम लोग जो है स्टार्ट कर दिए हैं काम को, क्योंकि जो है ये अकेले का एक का बस का नहीं होता है। बहुत बोरियस लगता है गुजिया बनाने में, मुझे तो नींद आने लगती है बैठे बैठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग मिलके बना रहे हैं, कोई बेल दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई गोला बना दे रहा है, तो ऐसे जल्दी जल्दी बन जाएगा। और हम लोग 3:30-4 बजे से स्टार्ट किए बनाना, तो 6:30 बजे तक मिनिमम 6:30 बजे तक बन गया था। खूब मज़े भी आ रहे थे क्योंकि इकट्ठा हम लोग बैठ के जो है गुजिया भी बना रहे थे और बातें भी कर रहे थे। और वैसे भी आज संडे था तो सब लोग घर पे ही थे, तो काफ़ी देर तक हंसी मजाक चला है और टाइम का पता ही नहीं चला कब गुजिया बन गया मेरा। आधी गुजिया बन गई थी तो दीदी बोली कि मैं जो है तल रही हूँ, तुम लोग जो है काट लो गुजिया को। तो ज़्यादा बन गया था क्योंकि ज़्यादा देर तक रहता है तो सूखने लगता है, तो इसको गीले कपड़े पर बिछा कर रख दी थी ताकि ख़राब ना हो। लेकिन अब जो है काफ़ी देर तक हो गया है तो इसको आधा जो है तल कर निकाल लूँगी। उसके बाद फिर इतना सारा गुजिया बना है और बाकी अभी बन रहा है। और ये सब जो है होली के पहले ही अच्छा लगता है, होली के बाद गुजिया बनाने का मन नहीं करता है। अगर होली के पहले बन जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर बाद में ये सब चीज़ें बनती नहीं। त्यौहार बीत जाने के बाद फिर ये सब सामान बनता नहीं है, कौन बनाए, इतना बोरियस का सामान है, बोरियस लगती है। तो बस गुजिया सारा बन गया है और यहाँ पर मैं काट रही हूँ मट्ठी। तो आटा बच गया था गुजिया का आटा, वो मैदा वाला, तो मैं सोचे कि चलो इसी लगते मट्ठी भी बना लेती हूँ, नहीं दूसरे दिन बिल्कुल नहीं जो है मन करेगा बनाने का। और उस दिन तो और काम हो जाते हैं, सबका आना जाना रहता है, पानी दो, चाय दो, नाश्ता दो, तो पूरा दिन लग जाता है तो टाइम नहीं मिलता। तो आज मैंने मट्ठी भी बना लिया ढेर सारा। ये सब बनाते बनाते ना मन भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता। और ये उस दिन तो मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगता। अब मैं सारा बना देती हूँ लेकिन फिर उस दिन खाने का मन नहीं करता। बाद में भले खा लूँ गुजिया लेकिन उस टाइम तो बिल्कुल देख के मन भर जाता है बनाते बनाते। तो ये देखिए मेरी गुजिया और मट्ठी सब तैयार हो गया है। तो बस ये रहा छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।